खतियान पे आधारित 1932 के खतियान पे आधारित जो है स्थानीय नीति बनेगी, क्योंकि उनसे पहले रघुवर दास जी ने 1985 का जो कट ऑफ डाला था उससे सभी लोग बहुत नाराज थे। स्थानीय नीति लागू किए बगैर यहाँ के युवाओं का भाग्य तो बदल नहीं सकता, लेकिन सरकार जल्दबाजी क्यों नहीं कर रही? तो हम लोग चाहते हैं कि अभी फिर से नियुक्तियों की बात चल रही है, तो हम लोग चाहते हैं कि जब तक स्थानीय नीति निर्धारित न हो जाए, नियोजन नीति निर्धारित नहीं हो जाए, भाषा नीति निर्धारित न हो जाए, तब तक कोई भी नियुक्ति को आगे प्रक्रिया आगे नहीं बढ़नी चाहिए। और हम लोग बस आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा वक्त आ गया है जब हमारे सारे अधिकार हमसे आधिकारिक रूप से जब छीन लिए गए हैं, तो हमारे पास आर और पार की लड़ाई लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं है। जन जन की आवाज़ आप तक पहुंचाने के लिए जीएन भारत की टीम गीताश्री और राव जी से मिल रही है, और इनसे आज अनेक मुद्दों पर बात करेंगे। मैम, जीएन भारत में आपका स्वागत। धन्यवाद, धन्यवाद, सबको जोहार। आपने अचानक से पार्टी से इस्तीफा क्यों दे दिया? क्या आप पार्टी में घुटन महसूस कर रही थी? हाँ, ये देखिए, जो मेरा जो फैसला था वो उन सब मुद्दों को लेके था जिसके लिए मैं हमेशा जो है मेरी आवाज़ हमेशा बुलंद रही उसके खिलाफ में, और हमारी जो अपनी भाषा परंपरा संस्कृति जो है जो उसको बचाने के लिए ही मैं जब से सक्रिय राजनीति में आई तब से मेरा वही रहा। और मेरे से पहले मेरे माता पिता भी जो हैं उनकी भी राजनीति का जो है आधार यही रहा कि अपने लोगों के लिए काम करना, अपनी भाषा संस्कृति परंपरा को बचाने का। और इसी तरह का जो है, जब मैंने देखा कि हमारी जो अलग झारखंड राज्य का जो निर्माण हुआ और उसमें जो हम लोगों को हमारी अपने जो संरक्षण जिस तरह से मिलना चाहिए, सबसे पहले कोई भी राज्य का गठन होता है तो वहाँ पर स्थानीय नीति बनती है, लोगों को उनकी पहचान, उनका एक आधार मिलता है। मगर हमारे जो अपना झारखंड बनने के बाद जो इतने लंबे लंबे समय, जो 88 वर्ष के लंबे संघर्ष के बाद जो हमारे हमको मिला, उसके आज तक देखा जाए तो तरीके से कोई वो नहीं पहचान नहीं बन पाई है। बिहार से अलग हुआ बंगाल, बंगाल और बिहार से फिर अलग हुआ झारखंड। बिहार में भी आपका जो है खतियान आधारित ही स्थानीय नीति बनी है, वहाँ पर भी इसका यही आधार है, और इसलिए बहुत स्वाभाविक रूप से यहाँ पर भी उसको ये जो ग्रहण करने की बात हुई थी तो जहाँ उसी में जो है ग्रहण लगा दिया गया, और जो स्थानीय नीति को जो है कोर्ट केस में जाना पड़ा हाई कोर्ट में, अभी तक स्टे उस पर लगा हुआ एक तरह से, और तभी से जो है यहाँ पर भाषा के जरिए जो है अतिक्रमण करने का, यहाँ पर घुसने का जो है सिलसिला शुरू हुआ 2002-03 से ही। और ये अब हम देख रहे हैं कि जिस तरह से जब मैं 2011 में जब राजभाषा का दर्जा हमारी 9 झारखंडी भाषाओं को देने की बात हुई थी, तो उस समय भी मैंने अपनी आवाज़ बुलंद की थी कि जो 9 झारखंडी के भाषा के अलावा जो है गैर झारखंडी में जो 3 जो थे उसमें से 2 भोजपुरी, मगही और मैथिली भाषा जो थी उसके का भी विरोध था, और बंगला उड़िया के लिए भी, क्योंकि वो भी भाषा के आधार पे अलग अलग राज्य बन चुके हैं। और ये सिलसिला मेरा चला जब मैं मंत्री थी, खुद भी शिक्षा मंत्री थी, तो मेरे विभाग में भी जब शिक्षक नियुक्ति की बात आई और उसमें पता चला कि सरकारी प्रक्रिया में इसको समाहित कर लिया गया, तो उसका भी मेरा विरोध था, एक स्टैंड था कि नियुक्ति जो है सिर्फ और सिर्फ झारखंडी जो है लोग उनको उनका अधिकार के स्वरूप मिलनी चाहिए। और फिर 18 में भी ये जब गजट नोटिफिकेशन भी आया तब भी उसका विरोध किया था। ये जो अचानक जब हमारी जो अभी वर्तमान सरकार है, उन्होंने हेमंत सोरेन जी ने ये वादा किया था कि खतियान पे आधारित 1932 के खतियान पे आधारित जो है स्थानीय नीति बनेगी, क्योंकि उनसे पहले रघुवर दास जी ने 1985 का जो कट ऑफ डाला था उससे सभी लोग बहुत नाराज थे। मैम, स्थानीय नीति लागू किए बगैर यहाँ के युवाओं का भाग्य तो बदल नहीं सकता, लेकिन सरकार जल्दबाजी क्यों नहीं कर रही है? अब देखिए, वही तो अभी जो है हम लोगों का इतना आंदोलन के बाद भी, और जिस दिन 28 फरवरी को जिस दिन हमारा भी मानव श्रृंखला का निर्माण किया था, इन्हीं सब बातों को लेके, मतलब जो सरकार ने गलत फैसले लिए हैं उसके विरोध में, और जो इन सब मांगों की कि स्थानीय नीति, नियोजन नीति खतियान आधारित हो, और जो भाषा नीति और जो उद्योग नीति भी यहाँ पर हमारा जो लागू होना चाहिए, विस्थापितों के लिए भी नीति बनानी चाहिए, सारी बातें जो हैं तो उसका जो है सरकार, ये सदन में भी ये बात उठी और उन्होंने कहा कि हम अध्ययन कर रहे हैं। उनकी गंभीरता इस बात में हम लोग को नज़र नहीं आई, और गोलमोल सा ही जवाब हम लोग को समझ में आया है।
तो हम लोग चाहते हैं कि अभी फिर से नियुक्तियों की बात चल रही है, तो हम लोग चाहते हैं कि जब तक स्थानीय नीति निर्धारित न हो जाए, नियोजन नीति निर्धारित नहीं हो जाए, भाषा नीति निर्धारित न हो जाए, तब तक कोई भी नियुक्ति को आगे प्रक्रिया आगे नहीं बढ़नी चाहिए। और मेरा भी जो इसी बात को विरोध को, क्योंकि जिस चीज़ को लेकर मैं लड़ती रही इतने समय से और मेरे माता पिता भी इसी में लगे रहे, तो फिर मुझे लगा कि यहाँ पर फिर राजनीति को जो एक आधार हम लोग मजबूत आधार बनाते हैं कि अपने लोगों की सेवा या उनके हक अधिकार की लड़ाई लड़ने का, तो यहाँ तो सारे हक छीन लिए गए। और बस जब ये प्रमाणित हो गया कि कांग्रेस के भी लोग इसमें शामिल रहे जो बाहर से आए हैं और यहाँ पर राजनीति कर रहे हैं, तो उनको तो स्वतः रूप से यहाँ के लोगों की के भावनाओं को का ख्याल रखना चाहिए, बल्कि मगर उन्होंने उल्टा जो है अधिकारों का हनन करने वाला जो एक भूमिका निभाई, वही मेरा कारण बना पार्टी छोड़ने का। और हम लोग बस आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि ये एक ऐसा वक्त आ गया है जब हमारे सारे अधिकार हमसे आधिकारिक रूप से जब छीन लिए गए हैं, तो हमारे पास आर और पार की लड़ाई लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं है। और हम सरकार से लड़ रहे हैं और उनसे बोल रहे हैं कि हमारे अधिकार, जो हमारा मान सम्मान है, जो भाषा है, संस्कृति है, परंपरा, उसको संरक्षित करने के लिए आप ये सारे जो नीतियाँ हैं उनका निर्धारण करें, ताकि झारखंडी जो है अपने राज्य में, जो अपने पूर्वजों के बनाए हुए राज्य में सुख चैन मान सम्मान के साथ रह सके। और हमारी ज़मीनें भी जो लगातार हम लोग देख रहे हैं कि लुटती चली जा रही हैं, रहती ज़मीन तो है ही, जो हमारी धार्मिक पारंपरिक ज़मीन है, जो इतने एकड़ ज़मीन है, वो भी लुटती चली जा रही है, जबकि एक पाँचवीं अनुसूची का राज्य है झारखंड, जो है पाँचवीं अनुसूची का राज्य है। और अगर आप जो संविधान के अनुच्छेद 244 देखते हैं, तो उसमें ये संविधान के अंदर एक संविधान बना हुआ है जो इस अनुसूचित क्षेत्रों के लिए है, और ये स्वतः लागू होना चाहिए, जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो है अनुसूचित जनजातियों को ही उनका साम्राज्य अपना अलग बनाने का एक अधिकार दिया गया है, और जो राज्यपाल हैं वो उसके कस्टोडियन बनाए गए हैं। और उसमें ये बात सारी बातें आई हैं कि ज़मीन पे भी अधिकार होगा, अपनी सभी व्यवस्थाओं पे ही जो है आदिवासियों का अधिकार होगा। तो ये सारी चीज़ों को धत्ता बताते हुए यहाँ पर, और अभी जो मतलब देखिए ये आलम है कि एक पोखरटोली एयरपोर्ट के पास का जो बहुत हाईलाइटेड केस हुआ है, हाई कोर्ट में चला गया, एक सिविल मैटर है, सिविल कोर्ट पे जो चलना चाहिए उसको हाई कोर्ट में जो है सरकार को पार्टी बना के किया गया है। एक महिला गीता देवी के 3 कट्ठा का जमीन, वो भी एक आदिवासी जमीन जो है उसकी ज़मीन पे लिया गया है, जो सर्वथा गैरकानूनी है CNT एक्ट के तहत। और उसमें जो है जो सरना स्थल के बीच से जो है सड़क निकालने का आदेश सरकार ने दे दिया है, हाईकोर्ट ने दे दिया है। और ये इस तरह की जो है हमारे जो अपनी जो कस्टमरी लॉ, जो परंपरागत लॉ, जिसको अंग्रेज़ों ने भी इस बात को समझा कि आदिवासियों को अपनी ज़मीन से कितना प्यार है, मान सम्मान से जोड़ के रखते हैं, तो उन्होंने भी ये सब कानून जो है बनाए, सारा कुछ करके दिया। मगर ये जो है बहुत अफसोस की बात है कि जो न्याय की, कानून की जो वकालत करते हैं, या फिर उनको यहाँ के लोग, अगर वो झारखंड हाई कोर्ट का हिस्सा है, तो उनको यहाँ के लोगों की भावनाओं को समझना चाहिए, उनके हित अधिकार को, उनके अधिकारों को संरक्षित करने के लिए फैसला लाना चाहिए, बल्कि उससे उलट किया। तो आज झारखंड में हम लोग देख रहे हैं जो परिस्थितियाँ आदिवासियों के लिए, यहाँ के मूल वासियों के लिए बहुत ही विकट बन गई है, और यही कारण है कि सब लोग आंदोलनरत हैं अपनी भाषा संस्कृति परंपरा को लेके, और अपना मान सम्मान से जोड़ के हम लोग ये मांग कर रहे हैं, और आंदोलन चलता रहेगा तब तक जब तक कि ये, और हम लोग चाहेंगे कि ये जल्दी हो, सरकार इसको ज़्यादा लंबा नहीं खींचे, क्योंकि 21 साल हो गए, और 21 साल का जो हमने काला जो हमने जो समय बिताया है, अब और नहीं हो, नहीं तो फिर बहुत ही मुश्किलें आगे बढ़ती चली जाएंगी सबके लिए। आपने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया, अगला चुनाव क्या आप BJP पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? किसी पार्टी में मैं नहीं गई, मुझे जाना होता तो मैं चली जाती, और मुझे जाना होता तो 2019 में ही चली जाती, या उससे पहले चली जाती जब मुझे राज्यसभा का भी ये ऑफर हुआ था। तो BJP तो मेरी विचारधारा से कभी मेल ही नहीं खाया, और बाकी भी अगर मैं अगर झारखंड के परिप्रेक्ष्य में कहूँ, तो यहाँ जितनी भी मुख्य दो राष्ट्रीय दल की पार्टी हैं, कांग्रेस BJP, और जो क्षेत्रीय पार्टी हैं जिसमें आजसू और JMM आते हैं, सब ने जो है यहाँ की जनता के साथ छल ही किया है। तो मेरा अभी किसी पार्टी में जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है मेरा,
और हम लोग सिर्फ और सिर्फ आंदोलन और अपने हक और अधिकार की लड़ाई के लिए जनता के बीच में मैं इसलिए आई हूँ ताकि कोई भी पार्टी का बंधन मेरे साथ ना रहे। अगर इससे हट के बात करें तो जेपीएससी मुद्दे पे आते हैं, तो जेपीएससी हमेशा विवादों से क्यों घिरा रहता है? जानबूझ के किया जाता है क्यों? मतलब ऐसा हर राज्य में जो उनकी स्टेट सर्विसेज के एग्जामिनेशन होते हैं 21 साल में साथ ही हो पाए और हर बार विवाद हुआ है, हर बार उसको खींचा गया है। अब देखिए ना, छठवीं का भी इतना बवाल था और उसको एक बार लागू कर दिया गया, मतलब रिजल्ट रिलीज करके अब 2 साल बाद उसको रद्द कर दिया जाता है। सातवां भी लिया गया था, उसमें भी ग्रहण लग गया एक बार और उसमें भी छटनी हो गई बहुत लोगों की। तो ये सब कुछ है, जानबूझ के किया जा रहा है ताकि यहाँ के जो युवा हैं उनका मनोबल टूट जाए, वो लोग नहीं आए। और जिस तरह की व्यवस्था क्षेत्रीय भाषा के बतौर जो सरकार ने यहाँ डाली कि 10वीं और 12वीं की जो है परीक्षा ये भोजपुरी, मगही और अंगिका में ही देंगे, और इन बवाल के बाद भी जो मैथिली भाषा को जो यहाँ पर 12वीं की मतलब प्लस टू के जो पाठ्यक्रम में डाला गया है, बहुत ही अफसोसजनक बात है कि सरकार नहीं समझ रही है कि झारखंड के लोग क्या चाहते हैं, किस तरह से अपने हक अधिकार की बात कर रहे हैं। और फिर हम लोग इसलिए जो है साफ स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि यहाँ जो झारखंड जिनके लिए बना, यहाँ के युवा का भविष्य जो है सुरक्षित नहीं है। मैं तो ये हमेशा शुरू से कहती रही हूँ कि जो ये नौकरी है, नौकरी नहीं है, हमारे युवाओं की 30-35 साल की जायदाद है जिसमें कोई और आके झंडा गाड़े, ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा और इसमें मतलब कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं तो नहीं करूँगी, बाकी लोग भी अभी इस बात से सहमत हैं और सब इस बात को देख रहे हैं कि किस तरह से सीधा, मतलब अभी तक तो पीठ में छुरा भोंका गया, इस बार पेट में भी, सीने में भी छुरा भोंकने की बात हुई है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं झारखंड को जला रहा है और सरकार जल्दी समझे, इतना कुछ नहीं है, पहले से खाका बना हुआ है 2013-14 में, बस उसमें तरीके से इसको करके विचार विमर्श करके इसमें लागू करा दे, मेरे ख्याल से सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और विस्थापितों के लिए भी विशेष रूप से जो हमारी ज़मीनों की, जब मैं बात कर रही हूँ तो झारखंड एक खनिज संपदा संपन्न जो एक राज्य है और यहाँ पर विस्थापितों का भी जो है बहुत बड़ा जो एक हम लोग देखते हैं हर जगह पुनर्वास नहीं हुआ है उनका, उनकी जो अगर जैसे HEC का भी बात मैं कहूँ तो वहाँ पर जो HEC को लेके जो अधिग्रहण किया गया था, उद्देश्य में परिवर्तन आ गया है। साफ तौर पे ये कहा गया है कि उद्देश्य के परिवर्तन होने पे जो है रैयतों को उनकी ज़मीन लौटाई जाएगी, मगर ये नहीं करके डीड ऑफ कन्वीनियंस के तहत जो है 1986 में इसको मतलब एक हाथ से दूसरे हाथ, अभी जहाँ पर लोहा कारखाना बनाने की बात थी टुपुदाना में, वहाँ पर स्मार्ट सिटी बनने की बात हो रही है। जो लोग उजड़ गए उनका तो नाम लेने वाला कोई नहीं है, उनका पुनर्वास आज तक नहीं हुआ है, दर दर भटक रहे हैं लोग, मगर वहाँ पर स्मार्ट सिटी बनेगा, करोड़ों रुपया जो TSP का खर्चा होगा, 24,000 करोड़ प्लस जो है उसमें जाएगा, और साथ ही साथ वहाँ पर मंत्रियों के लिए, विधायकों के लिए आलीशान बंगले और सख्त सुविधाएँ होंगे, किसकी कीमत पे? ये सवाल है। झारखंड जो है पूरी तरह से यहाँ पर लुट गया है और हमारे अपने जो माननीय हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हों या बाकी माननीय हैं, उनकी कोई संवेदना अपने लोगों के प्रति नहीं है, वो अपनी अपनी जगह ले कर बैठे हुए हैं सुख चैन से, और आम व्यक्ति के लिए उनके प्रति कोई विचार नहीं है उनका। बहुत ही दुखद स्थिति है और लोग तो जाग रहे हैं, अब जो माननीय हैं वो भी जागे, नहीं तो उनकी राजनीति भी अब बिल्कुल खटाई में पड़ने वाली है सबकी, क्योंकि ऐसी राजनीति हम लोगों को नहीं चाहिए। आप अगर मैं बोलूं तो हमारा बहुत झारखंड से बहुत बात 13-14 साल बाद आंध्र प्रदेश से कट के तेलंगाना बना, वहाँ की सरकार ने तुरंत ही जो है अगले 30 साल के लिए अपने राज्य के निवासियों के लिए जमीन, अपनी नौकरियां जो है लॉक कर दी। हर राज्य कर रहा है, अभी यहाँ जो बवाल उठा है तो मध्य प्रदेश की सरकार ने भी जो है ये घोषणा की अभी हाल में ही कि यहाँ की जो नौकरियां हैं, जो नियोजन होगा यहाँ के निवासियों के लिए होगा, संसाधन का भी उपयोग यहीं के लोगों के लिए होगा। बिहार की सरकार ने भी अभी हाल फिलहाल में जो पीछे, झारखंड में ही क्यों बवाल उठ रहा है जब हम अपने संवैधानिक अधिकारों की बात कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से अब एक नए झारखंड की और 5वीं अनुसूची के झारखंड की बनने की, जो उसका आधार होना चाहिए था, अब मेरे ख्याल से अब उसको धो पोछ के नए सिरे से सब कुछ करना पड़ेगा, तभी यहाँ के लोगों को उनका अधिकार, उनका मान सम्मान और उनकी हमारी अपनी धार्मिक पारंपरिक जो जगह है
वो भी बच पाएगी। अब ये तो सरकार बताएं उनकी क्या मांगे हैं, उनको उनको समझना चाहिए। और परीक्षा दे के आए हैं, वैसे तो पांचवीं अनुसूची में अभी ये भी बात होती है कि पेशा के अंतर्गत पंचायत चुनाव भी नहीं होने चाहिए यहाँ पर, और ये सारी चीज़ें हैं। मगर देखिए, हमेशा ही कुछ ना कुछ बवाल रहता है, लोग परीक्षाएं देते हैं और सब चीज़ को उलझा के रख दिया जाता है। ऐसे बहुत सारे मामले हैं अर्बन डेवलपमेंट प्लानिंग के भी, उसमें जो है बहुत सारे इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स भी, मतलब ये पहला एक ऐसा था जो चयन प्रक्रिया जिसमें कोई घोटाला नहीं हुआ था, कोई विवाद नहीं हुआ था, मगर अब 10 महीने हो गए हैं ज्वाइनिंग लेटर लोगों को नहीं दिया गया है। तो ये बहुत बहुत आम बात हो गई है झारखंड में, मतलब लोगों को रोका जाए किसी भी तरह से जगह पे पहुंचने के लिए, जो यहाँ के लोकल है उनको नई जगह मिलनी चाहिए और कहीं ना कहीं बाहरी लोगों के लिए ही जगह बनाई जा रही है। तो यही सब चीज़ें हैं जो अब बहुत हो गया, अब जो कहते हैं ना पानी सर से ऊपर चला गया है और हम लोग इसमें डूबने के लिए नहीं, उबरने के लिए अब हम लोग हाथ पैर मार रहे हैं अपने, इतना ही है। और मैं तो कहूँ कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, इन सब बातों को समझते हुए और इसमें गंभीरता दिखाएं, और जो है जो ये सारा विवाद उत्पन्न हुआ है जो नहीं होना चाहिए, स्वाभाविक रूप से तो देखा जाए नहीं होना चाहिए था मगर हुआ है, तो उसमें वो अपनी तत्परता दिखा के इस मामले को सुलझाएं, नहीं तो फिर काफ़ी बात आगे बढ़ जाएगी। हमने अनेक मुद्दों पर गीता श्रीवराव से बात किया, चाहे वो मुद्दा JPSC हो, चाहे वो मुद्दा पंचायत सचिव अभ्यर्थी हो, या फिर वो 32 खतियान हो, इन्होंने खुलकर अपनी राय रखी। GN भारत के लिए रांची से वीडियो जर्नलिस्ट सोनू पांडे के साथ मैं राशिका बजाज। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।